हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। तो दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बना के डाली थी जिसमें JEECUP का जो रिजल्ट है कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं उसमें पूरी डिटेल में हमने आपको बताया था, मगर किसी कारणवश जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्या कारण रहे हैं जो कि रिजल्ट है उस जारी नहीं हो पाया है, उन्होंने जो नई डेट है वो डिक्लेयर कर दिया है विभाग ने कि जो उसका रिजल्ट है वो किस डेट को आने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए दोस्तों, हम आपको इसमें बताएंगे कि क्या कारण रहे हैं और कब इसका जो रिजल्ट है वो जारी होगा। तो चलते हैं अपनी वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com। और उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब और एडमिट कार्ड जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वेबसाइट। हम गूगल में जाके टाइप करेंगे gayatrijobs.com और JEECUP रिजल्ट 2018 के जो रिजल्ट है ये पोस्ट हम ओपन करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि डायरेक्टली आप इस पोस्ट पे पहुंच सकें। तो दोस्तों, जो इसकी हमने कल वीडियो बना के डाली थी इसका जो यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट पर भी लिंक दिया हुआ है, तो उसका जो न्यूज़पेपर है आज का न्यूज़पेपर जो है दैनिक जागरण, उसमें इनकी जो न्यूज़ आई है कि इसकी संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से आयोजित पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम एजेंडा तैयार न होने की वजह से सोमवार को घोषित नहीं हो सका, अब मंगलवार को परिणाम घोषित होने की संभावना है। परिषद के सचिव FR खान ने बताया कि दो दिन का अवकाश होने की वजह से एजेंडे में कुछ दिक्कत हुई है जिसकी वजह से परिणाम घोषित नहीं हो सका। मंगलवार की देर शाम तक परिषद की वेबसाइट jeecup.org पर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। राजधानी समेत प्रदेश भर के 4.5 लाख अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार है। इससे पहले 2:30 बजे परिणाम घोषित करने के लिए सचिव प्राविधिक शिक्षा भुवनेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में निदेशक प्राविधिक शिक्षा RC राजपूत व मनोज कुमार के अलावा सचिव संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद FR खान और सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद SK सिंह समेत कई उच्च अधिकारियों के बीच 2 घंटे तक चले मंथन के बाद परिणाम रोकने का निर्णय लिया गया। सूत्रों के मुताबिक एजेंडे के साथ ही बैठक का कोरम पूरा न होने का प्राविधिक शिक्षा सचिव ने अधिकारियों को फटकार लगाई। सचिव की नाराजगी के बाद परिषद कार्यालय में देर शाम तक निदेशक मौजूदगी में एजेंडा तैयार होता रहा। मंगलवार को दोबारा सचिव के पास परिणाम की फाइल रखी जाएगी और देर शाम तक परिणाम घोषित हो सकता है। तो दोस्तों, जो उसका परिणाम है पॉलिटेक्निक का वो दोपहर बाद या शाम तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। OMR की 117 आपत्तियां आई हैं। इसमें परिणाम से पहले 21 मई को OMR शीट परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी जिसमें 117 छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, सभी का निरास्तरण कर दिया गया है। वहीं परिषद की ओर से 13,000 सीटें बढ़ा दी गई हैं। 13 नई संस्थाओं के खुलने से बड़ी सीटों के बाद अब निजी संस्थाओं की कुल 1,15,144 सीटों और सरकारी व सहायता प्राप्त संस्थाओं की 37,000 सीटों पर प्रवेश होगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव SK सिंह ने बताया कि नई संस्थाएं खोलने के लिए 298 आवेदन आए थे, 199 संस्थाओं का AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन और प्राविधिक शिक्षा परिषद से संबद्धता की प्रस्तुति हुई है। तो दोस्तों, मैंने जो आपको ये न्यूज़ बताई है वो आज 29 मई 2018 का ये न्यूज़पेपर है जो कि दैनिक जागरण का है। वो दोस्तों, रिजल्ट देखने के लिए हम बैक चलते हैं अपनी वेबसाइट पर और यहाँ पर हमने लिंक दिया हुआ है वीडियो से नीचे UP पॉलिटेक्निक रिजल्ट 2018 पे, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, जो अब तक नहीं चल पा रही थी जिसमें एरर आ रहा था, आप रोल नंबर डाल रहे थे अपना एरर आ रहा था, तो वो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा, आपको अपना जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।